तमाम दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ इन्फॉर्मेशन जो लेके आया हूँ वो बहुत कारामद और काम की चीज़ है जो बताने लगा हूँ आपको। ये ब्रेकरों की MCB ब्रेकर और DP पावर प्लग पावर स्विच उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने लगा हूँ। तो ये क्या काम करते हैं और ये क्या काम करते हैं MCB ब्रेकर और पावर प्लग, इसे पावर शू भी कहते हैं, पावर प्लग भी कहते हैं और ऑन ऑफ पावर प्लग भी कहते हैं, इसके काफ़ी नाम है। बेसिकली ये काम करता है मेन सप्लाई पे ऑन ऑफ का। अब मैं कि आपको तारीफ बताने लगा हूँ और इसके फ़ायदे बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो पावर प्लग है इसके बाद आपको फ़ायदे बताएंगे, इसके पीछे कर लेते हैं। ये दोस्तों पावर प्लग है दोस्तों, इसको कहते हैं मेन स्विच कह लें, DP मेन स्विच कह लें, पावर प्लग कह लें। इसे ये मेन सप्लाई पे लगता है घर की, ठीक है, जो मीटर से बाहर से सप्लाई आती है सबसे पहले इसमें आती है और इसमें इन होती है और यहाँ से आउट होकर घर में निकलती है, ठीक है। ये सिर्फ क्या काम करता है, ये सिर्फ घर की सप्लाई को ऑन और ऑफ़ करने का काम आता है और ये इसका काम कोई नहीं है। अगर घर में बिजली तेज़ आ जाए, बिजली ज़्यादा आ जाए तो ये इसको कुछ नहीं कर सकता है, या आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तारें जुड़ जाए, आग लग जाए, तो ये आप कोई काम नहीं कर सकता। हाँ से आप ऑफ़ करें, ऑन करें, हाथ से इसे ऑन करें तो ये काम कर सकता है, ये बेसिकली आग कुछ नहीं कर सकता है ये, ठीक है। जैसे घर की सप्लाई को ऑन और ऑफ़ करने के काम आता है, ये इसकी तारीफ हो गई है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इनके बारे में। दोस्तों ये है MCB ब्रेकर, ठीक है, ये देखें ये 2-pole है, ठीक है। इसके क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले इसके बात ये मेन सप्लाई पे लगता है घर की, जो मीटर से घर में इन हो रही है, यहाँ इन लगता है और आउट यहाँ से निकल जाती है। ये 2-pole है, इसमें दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लगती हैं, ठीक है, और यहाँ से निकल के नेगेटिव जो है नेगेटिव में चलती है, पॉजिटिव दूसरे ब्रेकरों में चली जाती है। ये मेन ब्रेकर पे लगता है, मेन DP पे 33 इसकी पावर है, C33 ये मेन पे लगता है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या फंक्शन होते हैं, इसमें फंक्शन क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, पावर के हिसाब से शॉर्ट सर्किट जब होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, बिजली पावर के हिसाब से ज़्यादा आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी पावर से 63 इसकी पावर है, इसकी पावर से ज़्यादा इस पर लोड डलेगा तो फिर भी ये ऑफ हो जाएगा। ये मेन पे लगता है, उसके बाद फिर आगे इससे छोटे लगते हैं सिंगल पोल, इसके बाद के ये भी यही 63 है, ये भी जो है लोड के हिसाब से ये सिंगल पोल का है, इसके बाद आगे छोटे लगते हैंगे, ये देखें ये है 20C, ठीक है दोस्तों, ये 20C है, ये उससे छोटा है। जब वहाँ से डबल पोल से सप्लाई फेस इसमें आता है तो इससे आगे जो है आपने एक कमरे की तार लगानी है, एक कमरे में एक फ्रिज, इस्त्री, एक रूम कूलर, ये चलाने के लिए ये एक कमरे के लोड के लिए बिल्कुल ठीक है C20, ठीक है दोस्तों। तो आप ये C20 एक कमरे में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक कमरे में जिस तरह एक फ्रिज है, एक इस्त्री, एक रूम कूलर, एक पंखा, 2-3 लाइटें, एक TV के लिए बिल्कुल ठीक कंपेयर है। अगर ये उस एक कमरे पर लगेगा जिसमें ये चीज़ें हैं मौजूद तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इस कमरे में जब भी शॉर्ट सर्किट को बिजली का होगा तो ये ऑफ हो जाएगा खुद ही, ठीक है दोस्तों। और उस कमरे में जब भी लाइट ज़्यादा आएगी तो फिर भी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों काम इसमें करेगा जब इसके लोड के हिसाब से आगे चीज़ें लगी होंगी। जब इससे ज़्यादा आप उसमें जिस तरह आपने मैंने बताया आपको एक इस्त्री, एक रूम कूलर, एक पंखा और एक फ्रिज के लिए ये है, अब इस पर आप AC भी लगा देंगे साथ में तो ये लोड ज़्यादा हो जाएगा जैसे इसकी कैपेसिटी से, तो ये खुद ही ऑफ हो जाएगा, ये खुद ही ऑफ हो जाता है। इसमें सिस्टम है, इसके ये फ़ायदे हैं। अगर जो आपने ज़्यादा लोड लगाना है, AC लगाना है, तो AC के लिए आप एक 16 एम्पेयर का 16C का और साथ में लगाएं ताकि अलग लगाएं सप्लाई से, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, हर एक चीज़ का लोड उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लगाएं। मेन सप्लाई पे आप सबसे पहले ये लगाएं 3-8 का लगाएं, उसके बाद फिर आगे फेसों पे छोटे दूसरे लगाएं छोटे,
लोड के हिसाब से एसी का लगाना है तो ये 20 का है सी का, एसी लगाना है तो आप लगाएं सी 16 का लगा दें, और अगर खाली एक फ्रिज के लिए लगाना है तो आप 6 का लगा दें एक फ्रिज के लिए, खाली एक कूलर के लगाना है, खाली एक कूलर की साइड के आप लगाना है तो आप एक 3 का लगा दें C3 का लगा दें। तो जिस तरह आपके लोड की चीज़ें उस हिसाब से ये लगेंगे और काम बहुत अच्छे करेंगे। जैसे जैसे आप पावर के हिसाब से अगर सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे काम करेंगे और बड़े फ़ायदेमंद है उसकी निस्बत। ये पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी से निस्बत जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपकी सेफ्टी है कि शॉर्ट सर्कट होगा तो ये बंद हो जाएंगे, बिजली ज़्यादा आएगी तो बंद हो जाएंगे, ओवर लोडिंग आप करेंगे घर में तो आपके तारे नहीं जलेंगे, ये खुद ही ओवरलोडिंग से बंद हो जाएंगे, यानी बता देंगे आपको कि आगे जो है मेरी पावर से ज़्यादा चीज़ का वज़न आपने डाल दिया तो ये बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसका ये फ़ायदा है। तो तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो कैसी लगी, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आप तमाम दोस्तों के आगे हाजिर होंगे। जो दोस्त नवे चैनल पर आए हैं वो नवे दोस्त आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। दोस्तों इंशाल्लाह फिर आपके खिदमत में हाजिर होगा। तो अपने भाई अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।